दोस्तों आप देख रहे हो ओटीटी क्रेजी। साल फिलहाल में मैंने कॉलर बम फिल्म देखी है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 9 जुलाई को रिलीज हुई थी। क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस फिल्म में जिमी शेरगिल है, जो काफी हद तक हमको पता है कि इनकी फिल्म अच्छी ही होती है। एक अलग तरह का रोल जिमी शेरगिल निभाते नजर आ रहे हैं, जहां पे एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हिमाचल के ये बने हैं। इनका नाम इस फिल्म में है मनोज हेसी। अब मनोज हेसी का जो ये फिल्म है, आई मीन इसमें क्या स्टोरी, मैं आपको बताता हूँ। मनोज हेसी ने कुछ साल पहले अपनी नौकरी के दौरान ही एक केस आया था, जहां पर वो कल्पिट को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो एक बेगुनाह को मार करके उसे कल्पिट घोषित करके उन्होंने वाहवाही और मेडल जीता था। तो उनका वो जो पास्ट है वापस से उनके सामने जब आता है, तो आखिर किस तरह से भौचक्के हो जाते हैं, वो इस फिल्म की कहानी मैं आपको सीधे तौर पे बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे मनोज हेसी अपना जो उसका बेटा रहता है, यानी कि अक्षय, यानी कि रोल प्ले किया है यहाँ पर नमन जैन ने, अक्षय वही चिल्लर पार्टी वाला एक्टर। तो यहाँ पर अक्षय और उनका जो बेटा है सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ाई करता है, उसके साथ कई सारे और बच्चे वहां पढ़ाई करते थे। एक दिन जब मनोज हेसी अपने बच्चे को मिलने जाते कुछ इस तरह से, और कई सारे पेरेंट्स भी आते हैं अपने बच्चे को मिलने, उसी वक्त अली नाम का एक बंदा कॉलर बम यानी बम लगा के घुस जाता है, एंट्री मार देता है सेंट जॉर्ज कॉलेज में, स्कूल में। अब सेंट जॉर्ज स्कूल में जब ये एंट्री मार देता है और सबको मारने की धमकी देता है, तो कहीं ना कहीं मनोज हेसी को समझ में नहीं आता है कि ये टेररिस्ट अटैक है कि क्या है। बाद में धीरे धीरे रिवील होता है कि वो जो अली आता है वो कहता है कि आपको मेरे जो सीनियर है यानी कि मेरी जो हेड है उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जब वो बात करता है मनोज हेसी, तो समझ में आता है कि ये वही लेडी है जिसको जिसके बच्चे को कहीं ना कहीं इसने मारा था मनोज हेसी ने। कुछ उस तरह की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं बहुत लास्ट में खुल के सामने आती है। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, लेकिन हाँ फिलहाल यही आपको कहूंगा कि कॉलर बम की कहानी काफी हद तक ऐसा लगता है कि आधी पकी हुई खिचड़ी जैसी है, यानी कि जो आपको खाने में और उगलने में दोनों में समझ में नहीं आएगी इसका करे तो क्या करे, ये फेंकनी पड़ेगी। तो उस तरह की ये फिल्म है। फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन फिल्म का जो एक अधूरापन है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। फिल्म को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बेहतर बनाया नहीं गया है, ये इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे एक्टर्स की बात करें तो आशा नेगी जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जो मनोज हेसी के अंडर में ट्रेनिंग लेते हुए नजर आई है इस फिल्म में, उनका रोल अच्छा खासा है। आशा नेगी का स्पर्श श्रीवास्तव यहाँ पे अली का रोल निभा रहे, जो इसके पहले मैंने उन्हें देखा था, वो एक है ना फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स की जामतारा, जामतारा में देखा था मेन लीड रोल में, अच्छा उन्होंने निभाया था। इसके अलावा इस फिल्म में राजश्री देशपांडे जो कहीं ना कहीं एक मेन विलन टाइप का जो रोल है वो प्ले करती नजर आ रही है, और उनका जो सेक्सी दुर्गा का रोल लोगों ने बहुत पसंद किया, तो कई सारी अच्छी पिक्चर उन्होंने की है। मंटो में वो इसमें चुगताई का भी रोल उन्होंने प्ले किया, तो कई सारी फिल्म ऑलरेडी उन्होंने की। सिक्रेट गेम्स में भी एक अच्छा खासा रोल उन्होंने निभाया, तो कुल मिला के उनका रोल भी अच्छा है राजश्री देशपांडे का। बट मुझे ऐसा लगता है कि सभी के रोल को बहुत ही लिमिटेड रखा गया है, बहुत पकाया नहीं गया है, बहुत बेहतर तरह से उभर के आ सकती थी फिल्म। इस फिल्म का एक डायलॉग मुझे सबसे अच्छा लगा, जो शायद आपको ध्यान दिया होगा कि ये नहीं आपने, लेकिन मैं बता दूं, एक डायलॉग था जहां पर बोलते थे हम हमेशा दोष देते अपनी किस्मत को, या मेरी किस्मत में ही ऐसा था इसलिए मेरे साथ बुरा होना था, मेरी किस्मत में ऐसा था इसलिए मेरे साथ इतनी मेरे को इतनी तकलीफ, ऐसा नहीं होता। उसमें लिखा है कि आपकी किस्मत की वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही है, वो किसी ने एक गलत डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी में जिसका भुगतान आपको करना पड़ा। तो यहाँ पे दिखाए गए फिल्म में किस तरह से मनोज हेसी ने जो कुछ एक कांड किया था उसका भुगतान उसके बच्चों को किस तरह से भुगतना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। और एक माँ और बच्चे का जो एक फील है प्रॉब्लम है उसको दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ पर एक बच्चा जो बाप को एक बाप जो बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटता है या प्रताड़ना करता है उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की गई यहाँ पे, कि बोलते ना हिमाचल की वादियों में क्या क्या कांड हो रहे हैं उस पर दिखाने की कोशिश की गई है। पॉलिटिशियन किस तरह से कोई भी मुद्दों को एक सेंसेशनल बना देते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। तो हर चीजों को हल्की हल्की तरह से नमक मिर्ची लगा के पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार ये आधी उबली खिचड़ी की तरह ये फिल्म हमें परोस दी गई, मैं ऐसा कहूंगा। फिल्म काफी बेहतर हो सकती थी, और यहाँ पे रोल जो है जिमी शेरगिल का ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिल से लगता है मजा नहीं आया, मतलब मुझे नहीं मजा आया, बहुत फटाफट 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 ऐसा लगा।
शायद 2 घंटे का वक्त देते और इसे और बढ़िया तरह से बुनते तो शायद और अच्छा लगता। स्टिल ये फिल्म में बहुत कुछ हो सकता था जो मुझे लगता है बहुत लिमिटेड तौर पे किया गया, और शायद यही इसकी फिल्म की कहानी है, यानी कि जो हमारा जो इमोशंस है वो जुड़ नहीं पाया, बिना इमोशंस के जुड़े कोई भी फिल्म कभी भी किसी को अच्छी लग ही नहीं सकती। सेम इस फिल्म के साथ भी यही खामी है। तो मेरी तरफ से 2 स्टार की रेटिंग आउट ऑफ 5। आपकी क्या राय जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना भूलेगा।